दुडू की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को विधानसभा में पेश किया, जहां सीएम संविधान की कॉपी लेकर सदन में पहुंचे और कहा कि आज इंतजार खत्म हो रहा है और हम इसे राज्य विधानसभा के सामने पेश कर रहे हैं। वहीं विधानसभा में बिल पेश होने के बाद अब सियासत भी तेज हो गई है, जहां उत्तराखंड ही नहीं बल्कि यूसीसी को लेकर शुरू हुई सियासी हलचल यूपी तक में महसूस हो रही है। बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। मुस्लिम नेता यूसीसी को लेकर अपना विरोध दर्ज कराने में जुटे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सही समय पर यूपी में भी यूसीसी आएगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने धारा 370 विदा किया। श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। उत्तराखंड में यूसीसी आ चुका है, यानी कि बिल लाया जा चुका है। चर्चा के बाद सदन से उसे पास कराया जाएगा, फिर राज्यपाल के पास बिल जाएगा। दो टूक में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं बयान। आज उत्तराखंड यानी देवभूमि में श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने यूसीसी को टेबल करने का काम किया है। मैं उसका स्वागत करता हूँ और हम अपनी विचारधारा पर कायम हैं। विचारधारा हमारे विपक्षियों की डगमगाती रहती हैं, पथ से भटक जाती हैं। जब चुनाव होता है तो मंदिर जाते हैं, जब चुनाव होता है तो गरीब किसान मजदूर की बात करते हैं और फिर विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। उत्तराखंड के अंदर यह आ रहा है तो निश्चित तौर से आने वाले समय में जो हमारी विचारधारा से जुड़ा विषय है वो आगे बढ़ेगा। सामान्य नागरिक संहिता में जिस तरीके से बताया जा रहा है कि उसमें तमाम लोगों के तमाम मजहब के मानने वालों के रसूमात तौर तरीक़ों को एक साथ में मिला दिया गया है, तो इससे तो समाज का ताना बाना बिखर जाएगा। और मुसलमान ही नहीं बल्कि जो दूसरे तबकात हैं, जैसे सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैनी हैं, रस्म व रिवाज अलग हैं, मुसलमानों के भी अलग हैं, तो अगर ये सब एक कर दिया जाएगा तो समाज का ताना बाना बिखर जाएगा। यूसीसी को लेकर बीजेपी ने साफ कर दिया कि पार्टी अपने एजेंडे को पूरा करने की कवायद में जुटी है, फिर चाहे वो 370 हो, राम मंदिर या यूसीसी। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन मुद्दों के सहारे बीजेपी 24 के चुनावी समर को साध पाएगी? क्या यूसीसी लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक साबित हो पाएगा? दो टूक में इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। उत्तराखंड में यूसीसी आया कौन और क्यों घबराया? हिंदू मुस्लिम एक समान, किसको कर रहा परेशान? बीजेपी का बड़ा दांव, यूसीसी जिताएगा चुनाव। बीजेपी ने पूरा किया वचन, 24 में फिर मिलेगा शासन। विपक्ष की बोलती बंद, 24 में यूसीसी पर जंग। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, सबसे पहले परिचय करा दे। दीप्ति रावत नेता बीजेपी, गरिमा दासोनी जी प्रवक्ता कांग्रेस, आचार्य राज मिश्रा हिंदू धर्म गुरु, फैजल अहमद मुस्लिम एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गरिमा दासोनी जी, आजाद भारत का पहला राज्य जहां यूसीसी बिल लाया जा रहा है, यानी कि अभी तो सदन में चर्चा, फिर वोटिंग पास होगा, राज्यपाल के पास आएगा। सवाल यह है कि जरूरत, समय की मांग या फिर राजनीति? राहुल जी, पहले तो मेरी आपत्ति दर्ज करा लीजिए। आपने अपने जो बयानवीर रिपोर्ट चलाई उसमें मेरे तीन नेताओं की आपने वाइट सुनाई, सुप्रिया शिनेज जी थी, राशिद अलवी जी थे और प्रमोद कृष्णन जी थे। शायद न्यूज स्टेट को जानकारी नहीं है, लेकिन तीन दिन पहले इमीडिएट इफेक्ट के साथ प्रमोद कृष्णन जी को निष्कासित कर दिया गया है पार्टी। जब तक उनकी तरफ से कोई आएगा नहीं या फिर आपकी पार्टी की तरफ से कुछ जारी नहीं किया जाएगा तो हम लोग मान कैसे लें? नहीं, जारी किया है पार्टी ने, जब यहाँ देहरादून में बैठे मेरे तक वो चिट्ठी। ठीक है, तो आप भी भेज दीजिएगा, मेल कर दीजिएगा, जिसके लिए बैठे हैं अब उस पर चर्चा हो जाए। नेता कांग्रेस करके जो आप चला रहे हैं वो मेरी आपत्ति ले लीजिए।
और दूसरा आपने राजीव प्रताप रूडी जी की बाइट चलाई जिसमें उन्होंने पत्थर और नींव वाली बात कही कि ऐसा पार्लियामेंट में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने बयान दिया होगा। तो एक काला दिन कल का ये भी था कि पहले ही प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने कहा कि अगले टर्म में विपक्ष जो है दर्शक दीर्घा में बैठेगा। कोई भी व्यक्ति जिसको लोकतंत्र पर विश्वास होगा, संविधान पर विश्वास होगा, वो विपक्ष को दर्शक दीर्घा में कम से कम नहीं देखना चाहेगा। एक मजबूत विपक्ष जो है आत्मा है लोकतंत्र की। तो ये काला बयान भी मैं दर्ज करा दूं अपना। अब आते हैं यूसीसी पर। यूसीसी के लिए आपने कहा कि बिल पारित होगा, राज्यपाल जी के पास जाएगा, बिल्कुल जाएगा। राज्यपाल जी से फिर ये राष्ट्रपति जी को जाएगा, राष्ट्रपति जी इसको फिर गृह मंत्रालय में भेजेंगे जहां इसकी पूरी विधिक पड़ताल होगी, और कार्मिक विभाग के पास जाएगा, न्याय विभाग के पास जाएगा। तो लंबी लड़ाई है और कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों का हनन भी है। मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि भाजपा बात आपने मौलिक अधिकार कहा, जैसे उसे भी थोड़ा विस्तार उसको भी दे दीजिए। क्योंकि हमारे संविधान में राइट टू रिलीजन एंड राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, ठीक है, तो ये इंटरवेंशन है, ये इंटरफेरेंस है कहीं ना कहीं, ठीक है। और इसमें क्या इसी लोकसभा में हिंदू कोड बिल लाने की कोशिश नहीं हुई, फिर उसे तोड़ा गया, फिर उसमें मैरिज एक्ट लाया गया, फिर उसमें अधिकार लाया गया, मेरी बात पूरी संपत्ति का नहीं, मैं उस पर थोड़ा सा इसे भी देख ले आप। मैं आप मुझे वक्त देंगे तो मैं निश्चित तौर पर बात करूंगी। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, प्लीज नोट कीजिएगा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में बहुविवाह प्रथा को ऑलरेडी प्रतिबंधित किया गया है, ठीक। यानी कि बिना तलाक लिए, बिना पत्नी की मृत्यु के व्यक्ति दूसरी शादी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये विद्यमान पहले से है। शादी की उम्र 18 साल महिलाओं के लिए और 21 साल युवकों को के लिए पहले से कांग्रेस ला चुकी है, ये विद्यमान पहले से है। तो आपने नया क्या किया? नंबर टू बात, किसके लिए एक देश एक कानून? किसके लिए? मैं यहाँ थोड़ा सा काउंटर करूंगा गर्मा जी, तो आने नहीं गर्मा जी, किसके लिए? आप तो पहले नहीं, आप क्लियर करते चलिए ना, देखिए दर्शक भ्रमित ना हो, आप क्लियर करते चलिए, किसके लिए था वो? हाँ, बताइए, वो किसके लिए था? वो सभी सभी धर्मों के लिए, हिंदू धर्म के लिए। हिंदू विवाह अधिनियम कह रही हो तो हिंदू धर्म के लिए। हाँ, और बाकी दूसरों के लिए आप मुझे बताइए, अपने चारों तरफ देखिए, आपको कौन सा मुसलमान यहां भारत में दिख रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, मैंने सीधा सवाल किया, मैं काउंटर इसीलिए कर रहा हूं कि देखिए दर्शक मेरे भ्रमित ना हो, वो उनके पास मैसेज क्लियर जाए। आप एक मिनट राहुल जी, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। बात हो रही है एक देश एक कानून की, जो अभी प्रवीण तोगड़िया जी भी कह रहे थे, एक देश एक कानून की। हम सिमट गए एक राज्य एक कानून में, यानी उत्तराखंड को प्रयोगशाला बना लिया आपने, लेबोरेटरी बना लिया। एक राज्य एक कानून में भी एक चौथाई आबादी पर यह लागू नहीं होगा, क्योंकि आपने जनजातीय समुदाय को इससे अछूता रखा है। यहाँ देहरादून के अंदर एक भारी आबादी, दीप्ति जी बताएंगी आपको, एक भारी आबादी ट्राइबल्स की है। चमोली में 4%, उधम सिंह नगर में 4%, नहीं, उनकी जनसंख्या 2,91,91,000 के करीब है। मैं एक आंकड़ा दे देता हूँ, 2,91,000, हम मोटा मोटी मान ले कि 3,00,000 के करीब है। जी जी, तो इतने ट्राइबल्स को अगर आपने अछूता रखा है, तो फिर आप कहां से कह रहे हैं कि समान नागरिक और समान कानून है? ये आपने छोड़ा क्यों जनजाति? ठीक है, दीप्ति रावत जी, इतना जनहित में है, दीप्ति रावत जी, इतना जनहित में है, दीप्ति रावत जी, अमित शाह जी लाए ना, दीप्ति रावत जी, पूरे देश में अमित शाह जी, आवाज आ रही है आपको? मुझे आवाज आ रही है? गरिमा जी को शांत कराइए, तभी कोई बोल पाएगा। देखिए, आज का दिन मैं कहूंगी कि ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन क्या आप सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है जी। आज का दिन मैं कहूंगी कि ऐतिहासिक दिन है, और स्वर्ण अक्षरों में आज के दिन को लिखा जाएगा, जब उत्तराखंड की विधानसभा में इस बिल को पेश किया गया, टेबल किया गया। देखिए, क्या मुझे, मैं गरिमा जी से कुछ कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, बहुत सारी चीजें उन्होंने कही, क्या वो इस बात का विरोध करती हैं क्या कि मुसलमान जो हमारी बहनें हैं, या जो बाकी सिख हैं और धर्मों को मानने वाली बहनें हैं, क्या उनको अधिकार नहीं है कि उनको भी हर चीज में समान रूप से उनको भी अधिकार मिले? क्या हलाला जैसी जो नियम है और जो कुप्रथाएं हैं उनको चलना जरूरी है? क्या एक ही शब्द में किसी की जिंदगी पूरी खत्म हो जाना, उसको तलाक 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 में ये तीन शब्दों में सब कुछ खत्म कर देना, क्या वो ठीक है?
वो तो पहले ही उसके लिए खैर कानून आया है, लेकिन उसके अलावा बहुपत्नी प्रथा जिस प्रकार से बात हुई है, जिस प्रकार से प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस की इसमें बात कही गई है, क्या सबके लिए ये कानून होना क्या कोई बुरी बात है? और जो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जनजातीय समाज को भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए, तो क्या ये ऑफिशियल स्टेटमेंट कांग्रेस की तरफ से ये देती है कि कांग्रेस ये चाहती है कि जनजातीय समाज को भी हमारे कॉमन सिविल कोड में इंक्लूड करना चाहिए? तो ये सारी चीजें मेरे पास है, खैर इनसे सवाल करने मैं के लिए, जवाब दे दूँ, लेकिन मैं जरूर आप जवाब दीजिएगा। लेकिन दे लेकिन लेकिन मैं आपको कुछ और चीज एक बार बताऊं कि ये बहुत हम लोगों के लिए जरूरी था, क्योंकि यहाँ पर देखिए, आप जितने आप विदेश में देखेंगे, आप दूसरे जगह देखेंगे, आप वहां पर पूछिए तो कोई भी इसका विरोध नहीं करेगा। क्योंकि क्या जो हमारे मुस्लिम नेता जो इसका विरोध कर रहे हैं, जो इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या वो नहीं चाहते कि उनके यहाँ पे भी जो महिलाएं हैं वो प्रोग्रेस करें, वो आगे जाएं? वो ठीक है, चाहते हैं कि वो जिस वही तरह बनी रहे। जवाब एक जवाब हो जाए। फैजल अहमद साहब है, उनसे भी बातचीत करेंगे। गरिमा जी मैं संक्षेप में। देखिए दीप्ति दीप्ति जी, मैंने कहीं पर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यूसीसी का विरोध नहीं किया। मैंने अपनी कुछ आपत्तियां दर्ज कराई कि आपने एक देश एक कानून की बात कही, तो आपने उत्तराखंड से शुरुआत क्यों करी? अगर ये जनता की और मुस्लिम महिलाओं को सशक्त करने की, या महिलाओं को इन जनरल सशक्त करने के लिए यूसीसी है, तो फिर आपने केंद्र से इसको लाने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई? विरोध अलग तो चीज होती अच्छी है, बात आपत्ति है। अलग बात होती है, जो चीजों में फर्क है। मैं यही बता रही हूं आपको कि बात तो आप कर रहे हैं एक देश एक कानून की, लेकिन ला रहे हैं तो एक राज्य एक कानून, और उस राज्य में हर राज्य के अपने कानून भी होते हैं। एक मिनट दीप्ति जी, हर राज्य के अपने कानून होते हैं, वो स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र है। ये अधिकार संविधान, ये अधिकार संविधान में भी है, ऐसा नहीं है। ये अधिकार संविधान में है गरिमा दसौनी जी, ये अधिकार संविधान में है। राज्य सरकारें राज्य के लिए अपने नियम कानून बना सकती हैं, ऐसा नहीं है आप कि इससे अलग है मामला। ठीक है, फैजल अहमद साहब, देखिए फैजल अहमद साहब, फैजल अहमद साहब, अगर एक देश एक विधान एक संविधान की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि सभी को एक नजरिए से कानून हो, कुछ भी हो एक नजरिए से, तो फिर गलत कहाँ है? राज्य अपना यूसीसी, एक मिनट, राहुल जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है राहुल जी। ये यूसीसी नहीं है, ये चुनाव सीसी है, समझ रहे हैं आप? ये चुनाव को देखते हुए, ये मैं आपसे सिविल कोड पॉलिटिकल एंगल पर सवाल नहीं कर रहा हूँ, मुस्लिम एक्टिविस्ट होने के नाते आप उन चीजों को छूइए, उन चीजों को बताइए करके सुन लीजिए, जो दर्शक सुनना चाहते हैं आपसे। सुन लीजिए, एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये होता है कि सभी के लिए बराबर कानून। तो यहाँ तो कई बात आई गई कि जनजाति समुदाय के को इसमें शामिल नहीं किया गया है, केवल मुसलमान सिख और ईसाई इसमें रहेंगे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि सबके लिए मुसलमान जो है इस्लाम 1400 साल से, कह दिया एक मिनट, एक मिनट और इंक्लूडेड सुनिए दीप्ति जी, दीप्ति जी सुन तो लीजिए, पहले सुन तो लीजिए, भ्रम की स्थिति कहाँ है? छोड़ दिया ना, आप ही ने तो बताया कि जनजाति को नहीं रखा गया है। अरे आप ही ने तो अभी बताया कि जनजाति को नहीं, सुन तो लीजिए की हो रही है। दीप्ति जी सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, भ्रम की स्थिति कहाँ है वो भी क्लियर हो। मुसलमानों में इन्होंने बार बार कहा कि हलाला हलाला जैसी कुप्रथा, सही बात है कि कुप्रथाओं को खत्म होना चाहिए। ब्राह्मण धर्म में एक नियोग है, नियोग नियोग समझते हैं, जहां कोई भी स्त्री यदि उसका पति 2 साल से अधिक बाहर रहता है तो किसी के साथ वो संभोग करके। ठीक है, आते हैं आपके पास।